बाइकें भेंट की गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश रेलवे जयनारायण सिंह के नेतृत्व में जीआरपी को हाईटेक बनाने और अपराधियों पर अंकुश प्रभाव लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक महोदय रेलवे के निर्देशन और पुलिस महानिरीक्षक महोदय रेलवे के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक रेलवे मुश्ताक द्वारा आज दिनांक जीआरपी को उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त 15 दोपहिया वाहन अपाचे मोटरसाइकिल को जीआरपी क्षेत्र की सतत निगरानी अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विभिन्न थाना चौकियों को प्रदान की। जीआरपी लाइन आगरा से विभिन्न थाना चौकियों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राप्त मोटरसाइकिल का प्रयोग जीआरपी के विस्तृत दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी रूप से निगरानी की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना पर शीघ्रता से पहुंचकर कार्यवाही करने और अपराध अपराधियों पर प्रभारी अंकुश लगाने के लिए किया जाएगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। देखिए, जीआरपी को हाईटेक बनाने के लिए लगातार हेडक्वार्टर के द्वारा जो है लगातार नए नए जो है नवाचार किए गए हैं। उसी के तहत जो है अभी हमारे यहाँ जो चौकियाँ हैं, थाने हैं, वहाँ पे फोर व्हीलर थी, वहाँ पे जो है जो दोपहिया वाहन है वो नहीं थी। उसी को लेकर के जो है आज 15 दोपहिया वाहन जो है हमारे अलग अलग थानों और चौकियों को वितरित किया गया है। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि कई बार हमारा सर्कुलेटिंग एरिया जो है कई जगहों पर छोटा होता है, वहाँ पर जो है फोर व्हीलर से जो है पहुँचने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर जो है हम इस दोपहिया वाहन के माध्यम से यात्रियों की सुविधाओं को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ध्यान रख पाएंगे। साथ ही अपराधियों के ऊपर नियंत्रण करने में भी जो है इसके माध्यम से मदद जो है वो मिलेगी। इसके माध्यम से लगातार जैसे ज़िले में गश्त होती है, वैसे ही हम लोगों के द्वारा गश्त भी करवाया जाएगा। साथ ही जो इतने भी अपराधी सत्यापन है उसमें भी इन बाइकों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। 112 पे जो सूचनाएं मिलती हैं, कई बार सूचनाएं जो हैं उसको अटेंड करने में जो है में भी ये काफ़ी यूज़फुल जो है ये वाहन जो है वो होंगी। तो यह एक प्रयोग किया गया है जिसके माध्यम से जो हमारी जीआरपी है उसकी जो दक्षता है और कैसे इसको बढ़ाया जाए इसको हम लोग सुनिश्चित जो है वो इसके माध्यम से करने का प्रयास जो है वो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, अब हमारे जितनी भी थाने हैं और चौकियाँ हैं वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही चार पहिया वाहन जो है वो वहाँ पर है। जहाँ पे भी ख़राब होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। दोपहिया वाहन से क्या होता है कि छोटी गाड़ियों के माध्यम से अलग अलग जगहों पे जो छोटे जगह हैं वहाँ पे इसकी प्रभावशीलता जो है वो ज़्यादा होती है। कोई सूचना को अटेंड करने में इसके माध्यम से जो है वो काफ़ी यूजफुल जो है वो होता है। इसलिए जो है इसका भी वितरण जो है वो किया गया है। टोटल जो है 15 गाड़ियां जो है वो वितरित की गई हैं अलग अलग चौकियों के लिए और कुछ थानों के लिए। बुलंद